अब हम आप पहुंचे हैं तुला राशि वालों तक कि तुला राशि वालों आपको कौन लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं वो जानते हैं इस बात को भली भांति कि उनकी ज़िंदगी में 99% लोग जो है मतलबी लोग ही आते हैं। उनकी लाइफ में नॉर्मल लोगों का आना काफ़ी हद तक कम रहता है। जो मतलब से जो आते हैं, जिनको कुछ ना कुछ मतलब है उनसे, 99% लोग जो है उनकी लाइफ में जमावड़ा उनका रहेगा। लेकिन हमारा काम है यहाँ पर आपकी मदद करना, आपको बताना कि आपसे सच्चा प्रेम कौन करता है या आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कौन करता है इस मतलबी दुनिया में, जिसका पाला, जिसका वास्ता तुला राशि के लोगों का सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वाले निसंदेह आपसे जो है अपोजिटली प्यार करते हैं, यानी कि आप ठंडा कहोगे तो वो गर्म कहेंगे, आप दिन कहोगे तो वो रात कहेंगे, कभी आपके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, वो बिल्कुल आपके अपोजिट हैं। आपको अगर सफ़ेद कपड़े पसंद हैं तो उनको काले पसंद हैं, ठीक है, और आपको जो है ऑफिस का माहौल पसंद है उनको जंगल पसंद है, तो इस तरह से। लेकिन अट्रैक्शन है वहाँ पर, ठीक है, अट्रैक्शन बनता है, अट्रैक्शन है, और थोड़ा सा वैसा अट्रैक्शन है निगेटिव साइड का, तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा नहीं बनती और वो जो है बिना मतलब के आपकी ज़िंदगी पे आएंगे भी नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेष राशि वालों के नाम, जिनके नाम सी एच एल और ए से शुरू होंगे, ठीक है जी। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टॉरस, यानी कि वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले काफ़ी सेंशुअली कनेक्ट आपके साथ करेंगे, उनका कनेक्ट आपके साथ में अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हैं आपके साथ में और अच्छे तरीके से आपकी बात को सुनते भी हैं और उनको लगता भी है कि आपकी बात मानने से उनको फ़ायदा होगा और आपका सम्मान भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार करने की अगर हम बात करें तो वो नहीं है इस कैटेगरी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्यार आपको नहीं करते, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ मतलब से आपसे जुड़ेंगे। और टॉरस वृषभ राशि वालों के नाम ई ओ एस और वी से शुरू होते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, इनके नाम के एच और एच से शुरू होंगे। मिथुन राशि वालों की कहानी आपकी लाइफ में ऐसे है कि वो आपके ट्विन्स हैं एक तरीके से, और उनकी जो कहानी है वो थोड़ा सा अलग तरीके की कहानी बनती है आपकी लाइफ में। वो क्या होगा, उनको आपसे कुछ ना कुछ ये लगेगा, सहारा होगा कि जब भी संकट आएगा आप उनका साथ देंगे, आपका रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपका जो है आपसे प्यार भी करते हैं। तो ये जो है एक हम बोलेंगे कि ये जो है आपको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली राशियों में से एक है, जो बिल्कुल सच्चा प्यार आपसे करते हैं, ठीक है जी। तुला राशि वालों के नाम, जिनके नाम जो हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं जैमनी मिथुन राशि वाले, इनके नाम का की कू और एच डी एच जी एच ऐसे शुरू होंगे, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि पर, कर्क राशि की तरफ। इनसे आपकी बननी नहीं है, ये काफ़ी जो है आप इनको, अगर ये आपके एम्प्लॉई होंगे, आपके वर्कर होंगे, आपकी टीम में होंगे, तो इनसे थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहेगा। ये नॉन फॉलोअर लोग हैं, बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, ठीक है, कर्क राशि वाले, जिनके नाम एच और डी से शुरू होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में सिंह राशि वाले, जो कि एम और टी से होंगे। अब सिंह राशि वालों के साथ में क्या कहानी है कि जो है एक अच्छा रिलेशनशिप हम बोलेंगे इसको, कि हाँ भाई ठीक ठीक ठाक रिलेशनशिप है, जो कि जिसमें ग्रेट फन, जिसमें जो है आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इनके साथ में रिलेशनशिप में। और वो बड़े उदार दिल के होते हैं और खुले दिल के व्यक्ति होते हैं, कभी भी जो है संकुचित भावनाओं में अपने आप को नहीं रखते हैं, तो इसलिए जो है उनसे आपकी बन जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार करने वालों में वो भी नहीं है, ठीक है, वो भी जो है कोई ना कोई मतलब का एंगल जरूर होगा उनके साथ में। तो ये सिंह राशि वाले एम और टी से शुरू होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले आपकी लाइफ में एंटर होंगे एक बड़े ही नॉर्मल तरीके से, और अगर आपने उनको भाव दिया या अगर आपने उनको जरा सा भी अगर आपने उनको सहारा दिया, तो उसके बाद वो आपसे अटैच हो जाएंगे और उसके बाद वो आपसे आपके ऊपर डिपेंडेंसी वाले सारे के सारे अपने जो लक्षण हैं वो दिखाना शुरू कर देंगे।
कन्या राशि वाले TPSN और TH से शुरू होते हैं। यकीन मानिए वो खुद नहीं चाहते आपके ऊपर डिपेंडेंट होना, बट उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे काफ़ी हद तक, ठीक है, और आपकी बात भी नहीं मानेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास तुला, तुला राशि वाले लोग अगर मिले, अगर दो इनके नाम R और T से शुरू होंगे, और अगर तुला तुला राशि के लोग मिले आपस में तो एक व्यापारिक संबंध होगा, जिसमें जो है जब तक कुछ लेना देना है, आपस में कुछ ट्रांजेक्शन है, तब तक जो है सब कुछ ठीक है, ट्रांजेक्शन ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, ये वाली कहानी जो है तुला राशि वालों के साथ में बनेगी आपकी, ठीक है, जिनके नाम R और T से शुरू होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में वृश्चिक राशि वाले, आपकी लाइफ में वो कैसे होंगे, एक इमोशनली रिवार्डिंग रिलेशनशिप है उनके साथ में, एक अच्छा एक रिलेशनशिप हम बोलेंगे कि एक अच्छे लेवल पर जाएगा, लेकिन एक स्लो लेवल से शुरू होगा, जहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, लेकिन हाँ आप उनकी लाइफ में एक इनेबलर ज़रूर हैं, उनकी लाइफ में जहाँ पर भी उनको कुछ फंडिंग चाहिए वो आपसे ज़रूर आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे, और आप उनके अच्छे दोस्त हैं तो उनकी मदद आप कर देंगे, ठीक है, हो सकता है आपके बचपन के भी साथी हों। वृश्चिक राशि वालों के नाम TNY और U से शुरू होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में धनु राशि के लोग, उनका क्या हिसाब किताब है भाई आपकी लाइफ में, ठीक है, उनकी लाइफ में एक एंजॉयमेंट का हिसाब किताब है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, कुछ कहानियाँ वो सुनाएंगे, उनको आप सीरियसली नहीं लेते, सबसे बड़ी एक सबसे जो शानदार बात है वो ये कि आप उनको सीरियसली लेते नहीं हो, आप उनको बोलते हो कि यार ये बहुत ही हमेशा भागम भाग में रहने वाले लोग हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन धनु और तुला राशि वालों के बीच में अगर हम सतही रिलेशनशिप देखें तो वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का बनता है, एम्प्लॉयर तुला राशि वाले होंगे और एम्प्लॉई जो है वो धनु राशि के होंगे, इस तरह का रिलेशनशिप होगा, यानी कि मालिक और नौकर का रिलेशनशिप बनता है, राइट, और ये जो है ये आपके अच्छे भक्तों में भी शामिल होंगे, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर दो धनु राशि वालों के नाम YBH और DH और F से शुरू होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मकर राशि वालों की, भाई मकर राशि वालों की क्या कहानी है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो मकर राशि वाले हैं वो बहुत ज़्यादा आपको लाइक नहीं करते, सबसे बड़ी एक बात एक ये है, और नॉट अ विनर की कैटेगरी में माना गया है कि उस रिलेशनशिप में बहुत सारी असमानताएं हैं, लेकिन अगर वो भी अगर आपसे जुड़ेंगे, अगर कभी जुड़े तो किसी मतलब से ही जुड़ेंगे, बगैर मतलब से वो नहीं आने वाले, जिनके नाम BG KH और G से शुरू होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वाले निसंदेह आपकी लाइफ में आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वालों राशियों में जेमिनी मिथुन राशि के बाद सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले कुंभ राशि के लोग हैं, जो कि निसंदेह एक तरीके का गुरु और चेले का संबंध हो सकता है, मेंटर और मेंटी का रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप हम जिसको मानते हैं कि ये दोनों को सहायता मिलती है, इससे दोनों का भला होता है, जब भी कुंभ राशि वाले और तुला राशि वाले आपस में मिलते हैं दोनों की लाइफ आगे बढ़ती है और दोनों का भाग्य खुल जाता है, जिनके नाम कुंभ राशि वालों के नाम GC S और C और D से शुरू होंगे, ठीक है जी, तो ये आपको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली राशियों में से एक है। नेक्स्ट है हमारे पास में मीन राशि वाले, जिनके नाम दादी झा त्रा ते दो चा ची ऐसे शुरू होंगे, ठीक है, इनकी क्या कहानी है भाई आपकी लाइफ में, ये भी एक तरह का मतलब भरा रिलेशनशिप ही इसको हम कहेंगे कि ये जो है एक तरीके से फेरी टेल रोमांस है, शुरुआत होगी ये बड़े ही इनोसेंस के तरीके से, बट इसमें फिर प्रॉपर्टी और बहुत सारी जो है चीज़ों का एंगल आना शुरू हो जाएगा। तो ये है तुला राशि वालों आपके लिए, अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।